Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar discussing with you something very important, that is how to prepare for NMAT. I'm sure you are aware that NMAT examination is one of the very important examination. This examination is conducted by GMAC, which is an organization which is conducting the exam called GMAT. Okay, so here NMAT, we are discussing about how to prepare for NMAT. ठीक है, सबसे पहली बात NMAT का एग्जाम पैटर्न क्या होता है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जाम पैटर्न, व्हाट टू प्रिपेयर टॉपिक बाय टॉपिक. ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ डिटेल्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताए दैट प्रो टैलेंट इज प्रोवाइडिंग यू वंडरफुल सपोर्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम. चलिए ग्रेट, एक एक करके बात करते हैं. ये एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पे आपको सेक्शनल टाइम लिमिट है. आपकी कैट की परीक्षा में भी सेक्शनल टाइम लिमिट है, यस, पर वहाँ का टाइम लिमिट और यहाँ के टाइम लिमिट में बहुत अंतर है. क्या अंतर है देख लेते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज का. यू हैव ओनली 22 मिनट्स टू कवर 32 क्वेश्चंस. आई थिंक दैट्स मैनेजेबल. ओके, सो लेट मी राइट, दिस इज मैनेजेबल. ओके, मेनी ऑफ यू will be in a position to manage this, no worry at all. While 38 minute and you have to do 40 questions. Ab ye problem hai, theek hai, kyun problem hai? Because you may not be in a position to solve all questions. There will be lot of speed breakers. So main uske bare mein baat karunga aage jab thoda sa kaise aage baat chalegi. So ye thoda sa difficult hai. Okay, to complete. Okay, this is very important. Similarly, you have 60 minutes and 48 questions. ठीक है, ये भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे काम करेगा. ओके, ठीक है. अब मुझे अगर ज़्यादा स्कोर चाहिए, ठीक है, तो मेरा कैपेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए. ऑब्वियसली मेरे पास ये 40 क्वेश्चंस है, सो मेरा, और उसमें मेरे पास टाइम भी कम है, तो मेरा LR बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर मेरा LR स्ट्रांग होगा तो मेरा NMAT में स्कोर आगे बढ़ेगा, नंबर वन. ठीक है, अब ये जो 32 और 22 मिनट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है. क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज यहाँ पे आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा है ना, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एसेस नहीं कर पाएंगे कि मैं उसमें और मेहनत करूँ. तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स स्कोर 24 to 28. ओके, ठीक है, और ये ज़्यादातर जो लोग टॉप करते हैं, ठीक है, जो NMAT में जाते हैं वो इतना तो करते ही करते हैं. ठीक है, अब आती है बात मैथ्स की. मैथ्स में इफ समवन कैन क्रॉस 30+, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, ठीक है, सो अगर आप देख सकते हैं कि 40 में से अगर मैं यहाँ 30 बना सकूँ, सो 30+30 60+24, दैट मीन्स 84 × 3. ठीक है, 3 मार्क का इक्वेशन है, सो दैट मेक्स इट 2, सम अराउंड 8 × 3 = 240 + 4 × 3 = 12, सो दिस इज 252. दिस इज अ पॉसिबल स्कोर. ठीक है, 252. अब यहाँ पे से अगर मेरे 10% या 20% गलत भी हुए, ठीक है, अगर मैं रफली लेट्स से एज्यूमिंग कि मेरा 10% गलत हुआ, सो व्हाट आई विल गेट, 250 में से 10% 25 चला गया, विच इज 225. ओके, 80% गलत चला गया, दैट मीन्स 50 marks, मतलब मैं 200 के आजू बाजू बैठूंगा. ठीक है, मुझे ऑन एन एवरेज कट ऑफ चाहिए होगा 220 के आजू बाजू, विच मीन्स मेरी इतनी स्पीड होनी चाहिए अटेम्प्ट करने की, और मेरा LR स्ट्रांग होना चाहिए और मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपको पता होगा कि ये एग्जाम 4 से 17 दिसंबर के बीच में हो रही है, 4 अक्टूबर से 17 दिसंबर ऑनलाइन मोड में, और आपके पास 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट है, हर अटेम्प्ट का पैसा है, सो दैट मीन्स इट्स अ कॉस्टली अफेयर. ध्यान से सुनना दोस्तों, ये महंगी बात है, ये डिफिकल्ट है. ठीक है, अगर आप तीनों तीन ट्राई करते हैं तो मेरा मानना है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. मुझे लगता है कि 2 बार ट्राई इज अ गुड ट्राई. ओके, NMIMS मुंबई का कट ऑफ 220 के आजू बाजू रहता है. देर आर फ्यू अदर कॉलेजेस विच ऑल्सो टेक द स्कोर ऑफ NMAT. कौन कौन से हैं? NMIMS के सभी कैंपस, दैट इज मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद तो ही. SPJN इज ऑल्सो टेकिंग दिस NMAT स्कोर, बट ओनली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स.
Tapmi Manipal is taking this score. PDPU Gandhinagar is taking this score. Okay, so these are the various options available for you with respect to NMAT. Okay, ab hum baat karte ki sir kaun kaun se important topics hai maths mein. So maths ke topic ke bare mein jab hum baat kare to hame ye pata hona chahiye that out of 48 I should be in a position to attempt 30 plus in a nice manner. ठीक है, जहां पे मुझे शॉर्ट शॉर्ट पता है कि मैं उसमें राइट हूं. ठीक है, अगर मुझे 30 प्लस करना है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या टॉपिक मेरे लिए काम के है. क्या क्या टॉपिक काम के है? यू हैव नंबर सिस्टम्स, एलजिब्रा, रेशियो प्रोपोर्शन. दैट मींस जो भी आपका कैट का सिलेबस है पूरा का पूरा उसमें काम का है. ओके, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी इसमें कवर्ड है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल. ठीक है, ये तो सिर्फ नाम दिए हैं. There may be lot of other variety, but ध्यान रहे this is more of calculative in nature. Okay, आपका समय जाएगा मतलब जाएगा. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी DI में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा calculative होगा. ठीक है, last year अगर हम बात करें quantitative skills के 22 question पूछे गए थे, data interpretation के 20 questions थे और data sufficiency के 6 questions थे. Data sufficiency is a tricky area. GMAT is very much known for their data sufficiency और वही data sufficiency यहाँ पे डालते हैं. Data sufficiency में you have to develop lot of cases और अगर आपका कोई एक case miss हो गया तो आपके wrong होने के chances ज़्यादा है. तो यहाँ पे wrong के chances ज़्यादा है. ठीक है, ये आपका calculative है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है और ये जो quantitative part है उसमें 22 questions आने वाले हैं जिसमें you have a full areas आर कवर्ड. ध्यान से समझना दोस्तों. ठीक है, इसमें आपका पूरा का पूरा कैट का मैथ्स का सिलेबस इसमें कवर्ड है. ओके, सो उसमें से सिर्फ 22 क्वेश्चंस है. ठीक है, अगर आपने इनमें से कुछ कुछ टॉपिक में या तो आप वीक हो या आपने उसको ऑप्शन में छोड़े हैं. ठीक है, तो आप ये 22 में से कितने कर पाएंगे? एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 12 से 15 ही कर पाएंगे. ठीक है, विच मीन्स यू कैन नॉट लीव एनी टॉपिक. ठीक है ना, अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ोगे तो आपको 220 के ऊपर लाना है, वो आप नहीं ला पाएंगे. नंबर वन. नंबर टू, डेटा इंटरप्रिटेशन में आपकी कैलकुलेशन की स्पीड तगड़ी होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट और जो मैथ्स के टेबल्स है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, डिविजन, परसेंटेज, अगर आप ये फटाफट नहीं करने के काबिल है तो यहाँ पर दिक्कत होने वाली है. ओके, सो ये बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों कि मैथ्स का एक भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि आई डोंट नो, मैं DI में अगर कैलकुलेशन में फंस जाऊं तो मैं मुझे रिलाई करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव के ऊपर. ठीक है ना, सो इसलिए मैं एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकता. अगर मैंने वहां टॉपिक छोड़े तो मैं लंबे कैलकुलेशन में पक्का फंसूंगा और मैं डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस करके जाऊं ताकि मैं फंसूं नहीं. ओके, सो दिस इज हाउ द क्वांट पार्ट विल बी वर्किंग. ओके, आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में दो पार्ट आ जाएंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग. ओके, दिस विल बी फास्ट. यहाँ पे आप अपनी स्पीड अटेन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप स्पीड अटेन नहीं कर पाएंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे पढ़ के आंसर निकालना है. ठीक है, ओके, सो आपको वर्बल रीजनिंग में कहीं ना कहीं स्पीड पकड़ में आएगी. ओके, सो ये चीज का ध्यान रहे और ये सब चीजें आपको पढ़ाई करनी है. ओके, वर्बल रीजनिंग में कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, इम्प्लिसिट अजम्पशन, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट, ये सब इंफॉर्मेशन आपको एक RS अग्रवाल की बुक आती है. ठीक है, आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ बाइबल. ठीक है, आपके लिए वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग की एक मोटी सी RS अग्रवाल की बुक आती है, दैट्स योर बाइबल. ओके, सो इफ यू सॉल्व सम राउंड यू कैन से 200, 300, 400 क्वेश्चंस ओवरऑल, आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. हर टॉपिक के अगर आप 20, 30, 40 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो मेरा मानना है कि आपका काम हो जाएगा. वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप एग्जाम देने बैठे हैं तो वहां पे सर्कुलर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है. ठीक है, दैट्स अ स्पीड ब्रेकर, क्योंकि उसमें बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आप वहां से स्ट्रॉन्ग वे में आंसर निकाल नहीं पाएंगे. एक आध सेट होगा या मैक्स दो सेट होंगे. अगर आपने उधर ज्यादा ध्यान दिया और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत ज्यादा समय गंवा देंगे और अगर आपने समय गंवा दिया तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है. ओके, चलिए, ग्रेट. सो लॉजिकल रीजनिंग on an average you will be getting
less time. An attempt of 24 questions plus would be a good idea. Okay? ठीक है, और इसमें questions काफी manageable रहते हैं. और verbal part में आप देख सकते हैं, you have reading comprehension, जिसके total 8 questions है, 2 passages है, 4 question हर एक के साथ. So I think it is to be done must, वो जरूरी है. Error spotting मतलब grammar आपको आना चाहिए. ठीक है, ठीक है. I'll be developing a separate session on, you can say, verbal front, कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. पर उसमें error spotting में ध्यान रखना, subject verb agreement, that's very important. अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दे दिया, एक पक्का question आएगा, modifier का question आएगा. ठीक है, साथ साथ में parallelism और comparison का question आएगा, tenses का question आएगा, और idioms और phrases. ठीक है, इतनी चीज अगर आपने तैयार कर ली, मेरा मानना है कि आपका काम हो जाएगा. ओके, देन योर पैरा जंबल्स, इसका पैरा जंबल इज रीजनेबली इजी. ओके, अच्छा, और साथ साथ में आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर प्राइमरली ग्रामर बेस्ड दो क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, या तीन क्वेश्चन आते हैं, एंड यू हैव कॉमन कन्फ्यूजिबल्स, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजी, क्लॉज टेस्ट. सो ये सब मिला जुला कर आपके पास यू कैन से कहानी अवेलेबल है. अब ये जो वोकैब का पार्ट है, वो प्रोटेलेंट की तरफ से टोटल 16 वीडियोस अवेलेबल है. ठीक है, उन वीडियोस को अच्छे से देखें, विच आर ऑन वोकैब, जो हमने लिखा है IIM CAT वोकैब. ठीक है, भले वो IIM CAT वोकैब लिखा है, बट स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन इट. ओके, बिकॉज ये सीधा आपको NMAT में मदद करेगा. सो इसको गो थ्रू करना भूलिएगा मत. ओके, चलिए, ग्रेट. सो ग्रामर की तैयारी करना, RC की प्रैक्टिस करना मिस नहीं करिएगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड वी टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर इन द रिमेनिंग डेज. फोकस मोर एंड मोर ऑफ योर, यू कैन से, मॉक टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रो टैलेंट प्रोवाइड्स यू टोटल 5 मॉक्स. ओके, 5 मॉक्स फॉर NMAT विल गिव यू ऑल द नेसेसरी कंटेंट. कॉन्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट मिस आउट ऑन अ सिंगल टॉपिक. अगर आपने टॉपिक में मिस आउट किया, आपको एग्जाम में बड़ा पंगा होगा. सो डू नॉट फोकस ऑन इट. ठीक है, ट्राई टू वर्क ऑन एवरीथिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लॉजिकल रीजनिंग की ढंग की प्रैक्टिस होना जरूरी है. ठीक है, अच्छा, एंड मौके पे कोई नया टॉपिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आइडियली नहीं, पर अगर आपके डेट में अभी भी 20 या 22 दिन का टाइम अवेलेबल है, प्लीज़ कर लीजिए. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स की एग्जाम 5 या 6 तारीख को है, उनको ये सब चीज़ों में टेंशन लेना नहीं है. यू शुड फोकस ओनली ऑन दी वेरियस फिनिश कंसेप्ट्स एंड रिवाइज देम ऑन अ रेगुलर बेसिस. ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स, यू कैन से, मॉक टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए, ग्रेट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर आइडिया ऑफ NMAT. Try to put all your 100% and ensure that you have a target of more than 220 plus. Okay? Thank you very much and all the best.